स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 फैक्टराइजेशन से एक्सरसाइज 4D। फैक्टराइज करना है हमको। अभी सबके लिए देखो, एक्सरसाइज 4D में फॉर्मूला जो है कॉमन है वो ये कि a प्लस बी व्हेन मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर इसका वाइस वर्सा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। अब ये देखो, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, बस a माइनस बी और a प्लस बी लिख देंगे। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले लिखा कि बाद में लिखा। मोस्टली लोग पहले पॉजिटिव ही लिखते हैं x प्लस टू, बट डजंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, y स्क्वायर माइनस 25। y स्क्वायर माइनस 25, इसमें भी y स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्क्वायर माइनस 1। अब थर्ड है आपका ए स्क्वायर माइनस 1। तो देखो 1 पे कितना भी पावर लगा दो रिजल्ट 1 ही आएगा, तो ए स्क्वायर लिख लेते हैं और 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये भी हो जाएगा ए प्लस 1 और a माइनस 1। फिर इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर में है 9z स्क्वायर माइनस 64। फोर्थ नंबर में 9z स्क्वायर माइनस 64। अभी ये देखो, 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा। 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है और z का स्क्वायर, तो 3z का होल स्क्वायर माइनस 64 किसका है, 8 का स्क्वायर। तो अगेन ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a प्लस बी यानी कि 3z यानी a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, 9x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है 9x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9x को जैसे भी 9z स्क्वायर को लिखा था, इसको भी 3x का होल स्क्वायर लिख लेंगे और ये b का स्क्वायर। तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख देंगे, a प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई पे स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, 81 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी इसमें देखो, ए एक्स पे स्क्वायर हो जाएगा और ये 81 9 का, यानी 9 ए एक्स का होल स्क्वायर करने पे यही वैल्यू आएगी, 9 9 81, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 49 यानी 7 और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी वाई। तो 7 बी वाई का भी होल स्क्वायर करेंगे सेम वैल्यू आएगी, 7 7 49, बी पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी और क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 है।
एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में देखो, अब यहाँ पे माइनस का 25 इसने ले रखा है, अब प्लस का 1/64 बी स्क्वायर है। तो अब क्या करें, इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, है ना। यानी कि माइनस का 25 प्लस 1/64 और बी स्क्वायर यहाँ बगल में है, है ना। ठीक, तो अभी क्या करें हम इसमें, हम इसमें करने वाले हैं कि 1/64 बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं और 25 बाद में। अब ये b बाई 8 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देखो, 1/68 को 1/8 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और ये b है बगल में, ठीक, स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 बी प्लस 5 एक बार, और एक बार 1/8 बी माइनस 5, बी बाई 8 और बी बाई 8 भी लिखते तो गलत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ए स्क्वायर अपॉन 9 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 16। अब ये a बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, माइनस b बाई ए 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा a, ये पूरा b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है 2.25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या नई चीज़ है, नई चीज़ ये है कि ये डेसिमल में दिया है बस। तो 2.25 किसका होता है, 1.5 का, और साथ में लगा दिया ए, स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर। ये पूरा ए और ये पूरा बी, तो ए प्लस बी एक बार और एक बार ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, 36 ए पे पावर 8 माइनस 1/1 है। क्वेश्चन नंबर 12 में 36 ए पे पावर 8 है माइनस 1/21 है। अब इसमें ये जो 8 है ना पावर दिया हुआ, बस इसी को आपको चेंज करना है कि स्क्वायर में ही रहे। तो 6 ए पे पावर 4 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, पावर 8 भी हो गया, माइनस 11 का स्क्वायर। तो ये a और ये b, 6 a पे पावर 4 प्लस 11 और 6 a पे पावर 4 माइनस 11। क्वेश्चन नंबर 13, 54 का इस, अभी देखो इवेलुएट करना है इसमें 13 में 54 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, ऑलरेडी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। कितना आ जाएगा, 54 में 36 ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 90, इनटू माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। अब 18 9 जा कितना होता है, 9 8 जा 72,
9 × 9 9 × 9 = 16 1620 इवेल्युएट हो गया। नेक्स्ट वाला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14, वो भी इवेल्युएट है। 3.2 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर 3.2 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी 3 × 2 = 5 आएगा और 1.8 18 और कितना मिलके होता है 32 14 यानी कि 1.4 14 × 5 = 70 केवल कितना आएगा 7। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज फोर डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।